थोड़ा आगे आगे होगा ना ऐसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं VFX एडिटिंग के बारे में कि भाई VFX क्या बला होती है, आप मोबाइल में अपने VFX एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने VFX को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, हाई लेवल VFX एडिटिंग एंड थोड़ी मिडल लेवल VFX एडिटिंग। हाई लेवल VFX एडिटिंग को मैंने उस कैटेगरी में रखा है कि भाई जो नॉर्मली मूवीज के अंदर VFX वो वाले यूज किए जाते हैं वो है हाई लेवल में। बात करते हैं हमारे लो लेवल के या मिडल लेवल के VFX की, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसे हम अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर वगैरह में क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात की जाए लो लेवल VFX की, तो इनको भी यूज करते हुए आप एक समल मैजिक टाइप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके जरिए आप एक नॉर्मल सी वीडियो को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं कि देखने वाला भी दंग रह जाए कि मतलब कैसे 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 किया। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इन टू द मोबाइल फोन स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको एक VFX डाउनलोड करना है फ्रॉम YouTube। तो आपने YouTube पर सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन VFX। ग्रीन स्क्रीन VFX सर्च करने के बाद आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा VFX सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, किस टाइप की वीडियो बनाना चाह रहे हैं, एक्शन बनाना चाह रहे हैं, क्लासिकल, मतलब किस टाइप की आप बनाना चाह रहे हैं, वो वाला VFX को आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। तो काई मास्टर की स्क्रीन में आपने एक आने के बाद आपने अपना वो वाला क्लिप सबसे पहले इंपोर्ट करना है जो आपने शूट किया होगा। तो वो वाले क्लिप को आपने अपनी मेन वाली लेयर के ऊपर ले आना है, सबसे पहली लेयर में। सबसे पहली लेयर में आने के बाद आपने मीडिया वाले सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन में अपनी वो वाला VFX जो आपने YouTube से डाउनलोड किए उनको इंपोर्ट कर लेना है। दूसरी वाली लेयर में आपने वो वाले VFX को रखना है, और उसके बाद आपने हसपे जाएगा, हसपे ज़रूरत इसकी कटिंग वगैरह कर लेनी है कि जितना आपको सही होगा उतनी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बाकी आपने हिस्सा रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने इसका साइज़ वगैरह को एडजस्ट करना है, बिल्कुल आपने स्क्रीन की पहले लेयर वन के साइज़ के मुताबिक इसको मुकम्मल आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्रोमा की के ज़रिए इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद आपको थोड़ी तसल्ली होगी, हौसला होगा कि यार मेरा काफ़ी सारा काम है जो हो चुका है, यानी कि आपने ग्रीन स्क्रीन को भी थोड़े अच्छे अंदाज में रिमूव करना है। वैसे इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे अंदाज से रिमूव करेंगे तो वीडियो दिखने में ओरिजिनल लगेगी। ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद आपने फिर इसको एडजस्ट कर लेना है कि भाई मेरा जो VFX है वो मेरी एग्जैक्ट टाइमिंग ड्यूरेशन के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने उसे एग्जैक्ट टाइमिंग के मुताबिक कर लेना है। उसके बाद आते हैं जी कलर ग्रेडिंग के ऊपर। अब आपके VFX की और आपकी क्लिप की जो कलर होगा वो दोनों को जुदा जुदा कर रहा होगा, जिसे पता चल रहा होगा कि आपका VFX अलग है और आपकी जो वीडियो अलग है। अब आपने इसके कंट्रास्ट को कम करना है, इसकी सिचुएशन को कम करना है, टेम्परेचर को डाउन करके, आगे पीछे करके। अब जाहिर बात है मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने अपनी वीडियो के टेम्परेचर को कितना करना है, क्योंकि हर वीडियो की उसकी फुटेज के हिसाब से होगा कि उसमें कैसी कलरिंग है, उसी हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर लेना है। इसके अलावा एंड पे आपने क्या करना है, इसमें आपने कलर ग्रेडिंग करनी है। दोनों क्लिप में आपने सेम कलर ग्रेडिंग करनी है। कलर ग्रेडिंग इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके दोनों क्लिप में जो काफ़ी ज़्यादा मैच होना शुरू हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मैच होंगे तो दोनों दिखने में एक जैसे लगेंगे, तो हमारी वीडियो थोड़ी ना ओरिजिनल सी लगेगी। इसके बाद अगर आप अपनी वीडियो के टॉप और बॉटम में अगर एक ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाते हैं तो मेरे ख्याल से वीडियो आपकी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, एक दिखने में भी उसकी एक बड़ी सी खूबसूरत सी लुक आएगी। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा आगे आगे होगा ना ऐसे।